Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Online Viren, and today we'll be studying a chapter from Vistas, that is Should Wizard Hit Mummy by John Updike. Before starting the chapter, let's have a look at the title. Should Wizard Hit Mummy? Wizard here means a magician and hit mummy. Mummy means aapki mummy jaise hoti hai waise. So yahan par question nahi banta hai, matlab question ki format mein title diya hua hai ki kya wizard jo hai wo mummy ko hit kare या ना करे. शुड विजार्ड हिट मम्मी. अब ये कौन विजार्ड है और वो किसकी मम्मी है वो हमें चैप्टर में पता लगेगा. बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स हैव अ लुक एट द थीम्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस इन द चैप्टर. तो थीम्स क्या डिस्कस की गई है यहाँ पे, बात करते हैं यूनिकनेस की. यहाँ पे चैप्टर के थ्रू जॉन अपडाइक हमें बताना चाह रहे हैं कि वी ऑल आर यूनिक, कि हम सब यूनिक हैं और हमारी खुद की एक आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी होती है. हम मानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मानते तो कहीं ना कहीं हम जो है दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए. बिकॉज वी ऑल आर यूनिक, भगवान ने जो हमें बनाया है हम सबको बहुत ही डिफरेंट तरह से बनाया है और हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत यूनिक है. बट हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करें, क्योंकि कोई हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है, कोई या कोई हमसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन रखता है. तो इस तरह से दूसरों की एक्सपेक्टेशन के लिए हमें जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है और अपनी आइडेंटिटी को इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने की बहुत जरूरत होती है. तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को इंडिविजुअलिटी को बनाए रखें, ये भी हमें चैप्टर सिखाता है, बताता है. उसके बाद चैप्टर में बात की गई एडल्ट परसेप्शन एंड चाइल्ड परसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे हम कहानी के अंदर कहानी पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे एक छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जा रही है, तो उसका व्यू क्या होता है दुनिया को लेकर, परसेप्शन मीन्स उसका नजरिया क्या होता है दुनिया को लेकर, वो बात की जा रही है. बच्चा जनरली होता है तो उसकी आइडियोलॉजी जो है, उसका जो सोचने का तरीका होता है, एक बच्चे के लेवल का ही होता है. वो चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, वो दोस्तों के साथ खेले कूदे एंजॉय करे, और जब भी उसको किस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस या बाधाएं या रुकावटें लगती है तो उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है, भले से वो रुकावटें जो हैं या फिर बाधाएं जो है उनके फादर या उसके पेरेंट्स उसके कर रहे हो तो भी वो उसको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं. पर यहाँ पे जब फादर या पेरेंट्स या जब ये लोग भी अगर कोई यहाँ पे आपको कुछ कहते हैं या समझाते हैं या किसी चीज़ के लिए आपको मना करते हैं, तो उसमें भी उनका कोई एक्सपीरियंस रहा होता है या उनकी एक सोच रही होती है कि हमारा बेटा या हमारे बच्चे जो है इस तरह से ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा. तो यहाँ पर चाइल्ड परसेप्शन के बच्चे का नजरिया क्या होता है जिंदगी को लेकर, और वो क्या हमेशा चाहता है, और बड़े जो है यानी इसके पेरेंट्स जो है वो क्या चाहते हैं उसको लेकर, वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है. उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है एक्सेप्टेंस की. एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अगर हम दुनिया अगर जिंदगी में हम आए हैं और अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो हमें जो है वो अपने आप से एक्सेप्ट करनी चाहिए, और ना ही सिर्फ हमें अपने आप से एक्सेप्ट करनी चाहिए, इवन लोग जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें भी हमारी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए. इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इसका रिवर्स भी बिल्कुल है कि अगर दूसरों के अंदर कोई कमी है तो हम उसको एक्सेप्ट करें. तो ये भी हमें चैप्टर सिखाता है. ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टोरी की आउटलाइन की. क्या स्टोरी की आउटलाइन क्या है, इसमें हो क्या रहा है. बेसिकली यहाँ पे एक जैक नाम के एक फादर है, जैक यानी उनके फादर जैक जो है फादर है, और वो अपनी बेटी जिसका नाम जो है उसको कहानी सुना रहे हैं. सो जैक हु इज अ फादर टेलिंग स्टोरी टू हिज डॉटर जो. ठीक है, अब कहानी जो सुना रहे हैं वो क्या कहानी है, बेसिक फॉर्मेट बताता हूँ कहानी का, कि कहानी के अंदर होता क्या है, रॉजर नाम का एक क्रिएचर होता है, रॉजर का सबटाइटल कुछ भी हो सकता है, और रॉजर नाम के क्रिएचर को क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम को लेकर वो आउल के पास जाएगा, पहले प्रॉब्लम को लेकर वो रोएगा परेशान होगा, और उसको जब लगी लगता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प के लिए आउल के पास जाता है. आउल कहता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता हूँ, यू मस्ट गो एंड सीक विजार्ड, तुम जाके विजार्ड से मिलो. तो विजार्ड के पास जाएगा, विजार्ड कहेगा कि उसके लिए कुछ पेनीज देने पड़ेंगे, कुछ सिक्के कुछ कॉइन्स देने पड़ेंगे, उतने की जितने की रॉजर के पास नहीं होंगे, उससे थोड़े से ज्यादा वो मांगता है, और बाकी का कॉइन्स कहाँ मिलेंगे वो भी डायरेक्शन वो विजार्ड उसको बता देता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो है रॉजर स्कंक जो है या रॉजर नाम का जो क्रिएचर होगा वो अपना प्ले करेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, घर जाएगा, घर जाने का उसकी मदर मिलेंगी और मदर जो है वो बताएंगे कि उसके पापा जो है वो बॉस्टन से आने वाले हैं ट्रेन में बैठकर, और उसके बाद उनका खाना जो है सफर जो है डिस्क्राइब होगा और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है. तो ये तो बेसिक फॉर्मेट है जो वहां पे उसके फादर हर बार कहानी में अपना सुनाते हैं.
पर आज की कहानी क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले वो हम देखते हैं। तो हियर इज स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड ऑफ लिटिल चाइल्ड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन सीरीज। तो किस तरह से हमें छोटी बच्ची जो है वो अपने पापा से कहानी सुनते वक्त किस तरह के मॉरल क्वेश्चन वहां रेज करती है वो भी इसमें हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नाइट लाइक टुडे जैक टोल्ड हिज फादर टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। तो हर बार की तरह जैक ने जो है आज अपनी बेटी को कहानी सुना रहे हैं अपने दिमाग में से, अपने यानी ब्रेन में से जो भी उनका हेड है उसमें से कहानी उसको सुना रहे हैं। अब दिमाग की क्या बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर जो है जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाते सुनाते थक गए हैं और उनके दिमाग में कहानियां भी खत्म हो गई हैं। अब पिछले 2 साल से कहानी सुना रहे हैं और 2 साल और हो गए कहानी सुनाते सुनाते, तो इसका मतलब वो लड़की जो है वो 4 साल की हुई, यानी जब 2 साल की तब कहानी सुनाना स्टार्ट किया था और कहानी सुनाते सुनाते 2 साल हो गए, इसका मतलब 4 साल की हो गई है। अब इतनी कहानी कहाँ से लेकर आएगा आदमी, तो यहाँ पर उनका दिमाग खाली हो गया है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने कस्टम बना लिया है कि एक वो बेसिक स्टोरी का एक फॉर्मेट रखते हैं, उस स्टोरी के अंदर जो है कुछ माइनर से चेंजेस करते हैं और उसी स्टोरी को हर रोज या हर बार सुना देते हैं। तो आज उन्होंने क्या किया, ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, अ स्मॉल क्रिएचर नेम्ड रॉजर। मैंने बताया आपको कि वहां पे एक छोटा सा क्रिएचर होगा जिसका रॉजर होगा, इट कैन बी रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल और रॉजर चिमुक नाम को क्रिएचर हो सकता है। रॉजर को कोई प्रॉब्लम होगी वो आउल के पास जाएगा, विजार्ड के पास जाएगा, विजार्ड उसको पेनिस मांगेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्ले करेगा गनर और इस तरह से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही एक बार जो है उसके फादर पूछते हैं कि बेटा आज आपको मैं कौन सी कहानी सुनाऊं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सो नहीं रही थी। अब बिकॉज शी वॉज नॉट स्लीपिंग सो इट वॉज अ कस्टम कि अब उसको सुनाने का तरीका है कि भी कहानी सुना के बच्चे को सुला सकते हैं। जैसे कि आपने भी बचपन में कभी कहानी सुनी होगी दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा से, तो आप भी कहानी की जिद करते होंगे, नहीं मैं को तो कहानी सुना, मैं तो नहीं, ऐसे करते होंगे। तो वहां पर इसी तरह से वो लड़की भी कहानी की जिद करके बैठी है और उसके पापा उसको कहानी सुनाते हैं। तो उसके पापा जो है वो कहानी सुनाने लगते हैं, वो पूछते हैं बेटा कहानी किसकी सुनाओ, बताओ किसकी कहानी सुनाए। तो अब वैसे तो उसके पापा कह रहे हैं कि उसका भाई जो है वो ऑलरेडी सो चुका है, जिसका नाम यहाँ पे बॉबी मेंशन किया गया है। तो लिटिल गर्ल जो है अब आसानी से नहीं सोती है, उसने अपने तकिए को अरेंज कर लिया है, अंधेरा हो चुका है कमरे में थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और वो नींद स्पेस हो जाए, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि बेटा बॉबी सो गया तुम भी सो जाओ, लेकिन वो लड़की सोने को तैयार नहीं है और उसके पापा को फिर कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी उसको सुलाने के लिए। तब उसके पापा कहते हैं बेटा किसकी कहानी सुनाओ। रॉजर और जो स्क्वीज हर आईज शट एंड स्माइल टू हिज थिंकिंग शी वाज थिंकिंग। तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए जो है वो सोचते हुए कहती है कि पापा कहानी किसकी सुनानी है, रॉजर की। जैसे आप यहाँ देखेंगे वो पिक्चर अगर बनी है टाइटल के साथ, वहाँ पे लड़की ऐसे बैठी है मुंह पे हाथ रखे ऐसे, तो उसका मतलब क्या है कि वो सोच रही है, कुछ डीप थिंकिंग में है वो। तो उसके पापा को भी जब एक नया क्रिएचर मिलता है, रॉजर स्कंक नाम का क्रिएचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी कहानी का जो कैरेक्टर है कौन है, रॉजर स्कंक। तो रॉजर स्कंक नाम का क्रिएचर उनको मिलता है तो वो भी खुश हो जाता है, उनको लगता है कि नया कैरेक्टर आया है कहानी में और नया क्रिएचर, शायद उन्होंने नर्सरी स्कूल्स में इसके बारे में सुना होगा इसलिए वो स्कंक की कहानी सुनना चाहती है। अब कहानी शुरू होती है। Once upon a time in the deep dark woods there a tiny little creature by the name Roger Skunk. उसके पापा कहते हैं कि बेटा एक बार घने जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर रहा करता था और उस क्रिएचर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके बॉडी से स्मेल आती थी, यानी वो बहुत बदबू आती थी उसकी बॉडी से। तो ये उसके पापा कहते हैं, तो यहाँ तो Roger Skunk तो क्रिएचर हो गया और प्रॉब्लम क्या हो गई कि उसके साथ बॉडी से स्मेल आती थी। He smelled so bad that none of the little animals woodland creature would play. अब उसकी बॉडी से इतनी बदबू आती थी कि उसके साथ कोई भी दूसरे क्रिएचर्स खेलना पसंद नहीं करते थे। किसके साथ, रॉजर स्कंक के साथ, जो भी वुडलैंड उस जंगल में जानवर रहते थे उसके साथ नहीं खेलते थे। तो जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट। अब जैक जो है बड़ी खुशी से बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहानी सुना रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ऑल ऑफ द टाइनी लिटिल एनिमल्स वुड क्राई, जैसे ही रॉजर स्कंक आता था वहां पर सारे बच्चे रोने लगते थे, सारे क्रिएचर रोने लगते थे और वो भागो 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 करके ऐसे वहां से जाने लगते थे। अब क्योंकि सारे क्रिएचर वहां चले जाते थे इसलिए जो है रॉजर स्कंक अकेला रह जाता था और अकेला रहने के बाद वहां बड़ा दुखी बड़ा सैड फील करता था और वहां पर रोने लगता था। तो टू लिटिल राउंड ड्रॉप टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज अ कॉर्न ऑफ जोस। अब जैसे तरह से वहां पर रॉजर स्कंक जो है रोने जैसा लग रहा है तो यहाँ पर उसकी वो लड़की जो है जो वो भी रोने जैसा फेस बना लेती है। अब क्योंकि उसको पता है कि पापा हर कहानी में रॉजर्स नाम का क्रिएचर लाते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है, वो आउल के पास जाता है। तो यहां पर वो लड़की ऑलरेडी चिल्लाने लगती है पहले से कि पापा पापा अब तो आउल आएगा, आउल आएगा, आउल आएगा, ऐसे वो करने लगती है कि आउल नहीं आएगा क्या। और उसके पापा जो है कहते हैं हां बिल्कुल आउल आएगा बेटा, अभी सुनो। सो सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर जैक फेल्ट द कवर स्टक, क्योंकि वो वहां पे मस्ती करने लगी आउल आउल के नाम से, इसलिए थोड़ा सा वो जो चादर है वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है, खिसक रहा है।
तो ही वॉज प्लीज विद दिस। यहाँ पर उसके फादर को ये सब देख के बड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उसकी बेटी इस तरह से बचपना हरकत कर रही थी। समथिंग शी मस्ट नो दैट हैड नो विश टू हरिन। अब यहाँ पे उसके जब पापा कहानी सुना रहे हैं आज, तो उनको बिल्कुल भी जल्दी की जो है जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी चीज जो उसको स्टोरी के थ्रू सिखा सकते हैं वो मिस कर जाए, इसलिए वो आराम से कहानी सुनाते हैं। बट डाउन चेयर स्क्रैप एंड ही रियलाइज दैट ही मस्ट गो डाउन टू हेल्प। अब जाके नीचे वाले रूम में जो है कुछ आवाज आती है और वो सोचते हैं क्या नीचे वाले रूम में जो है वाइफ जो है उनकी, यानी जिनका नाम क्लेरे बताया यहाँ पे, वाइफ जो है उनकी कुछ फर्नीचर को पेंट कर रही है और जाकर उनको मदद करनी चाहिए, पर क्योंकि अभी वो कहानी सुनाने के काम में बिजी है इसलिए वो नहीं जाते हैं। अब वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ उसको प्रॉब्लम थी, पर वो कहाँ जाता है, ओल्ड आउल के पास जाता है। तो वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू द वेरी बिग ट्री एंड इन द बिग टिप टॉप ऑफ द ट्री वेयर वाज इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। और बड़े से पेड़ के ऊपर जो है एक जो उसको क्या मिलता है, आउल मिलता है। और वो कहता है मिस्टर आउल, रोजेस कंग सेड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि सब मेरे से दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे से बदबू आती है और जो है मैं क्या करूं। अब वो रोने लगता है इस बात को कहकर। सो द आउल सेड, हाँ यार ये तो बात सही है, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बदबू आती है तुम्हारे में से। और रोजेस कंग कहकर इस बात को रोने लगता है जोर जोर से। द विजार्ड शाउटेड। अब जो को बताया कि आउल के पास कौन आएगा, विजार्ड आएगा, तो कहने लगती है कि पापा विजार्ड विजार्ड, और अचानक से वहां पर गोल्डन बुक जो बेड पर रखी थी वो गिर जाती है। अब उसके पापा कहानी सुनाते सुनाते बीच में डिस्टर्ब होते, तो कहते हैं कि बेटा पापा कहानी सुना रहे हैं ना, नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट डैडी टेल द स्टोरी, अब चाहते हो पापा कहानी सुनाए। तो इस तरह से वो कहती है हाँ हाँ आप कहानी सुनाइए। अब वो फिर से उसको बेड पे तकिए पे जो है सर रखने को कहते हैं और वो आराम से लेट जाती है। और कुछ देर तक जो है आउल सोचता है कि क्या करे क्या करे, और वो आखिर में उसको कहता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता और तुम विजार्ड के पास जाओ। अब लड़की वहां पे मॉरल क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि बच्चे जिस तरह से कहानी जब चलती है तो इनकी क्यूरियोसिटी होती है और वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पे वो पूछती है कि पापा कहानियों में क्या ये जो स्पेल्स होता है, जादू होता है, क्या सच में होता है। तो यहाँ पे एक नया फेज उसकी जिंदगी का स्टार्ट हुआ था, थोड़ी समझदार होने लगी है और इसलिए वो इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप करती है। तो उसके पापा यहाँ पे कहते हैं कि नहीं बेटा ये सब कहानियों में ही होता है। ऐसे ही जब उसकी मदर ने एक बार कहा था, ही टोल्ड हर स्पाइडर, जब उसकी मदर ने उसको बताया था कि भगवान आसमान में रहते हैं, तो वो अपने पापा से जाके पूछती है कि पापा भगवान आसमान में रहते हैं। और ऐसे ही जब एक बार पापा बोल रहे थे कि स्पाइडर जो है बग्स को खा जाती है, तो यहाँ पे वो अपनी मम्मी से आके इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन करती है, चेक करती है। तो उसके पापा यहाँ पे आंसर करते हैं कि बेटा ये सब जादूगर और जादू जो है वो कहानियों में होता है। ठीक है, द आउल सेड, अच्छा तो अब एड्रेस बताओ। वो कहता है कि एड्रेस कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं कि विजार्ड कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आउल जो है वो एड्रेस बताता है, कहता है कि गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज ओवर द क्रीक, कि तुम डार्क वुड्स की यानी घने जंगलों की तरफ जाओ और वहां पर क्रीक साइड में नहीं, वो छोटी सी स्ट्रीम जो है, रिवर जो है, वहां पर तुम्हें उस घर के उस स्ट्रीम के पास में विजार्ड का घर मिल जाएगा। A little river over the creek and there will be a wizard's house and that's the way Roger Skunk went. और इस तरह से Roger Skunk जो है उस रास्ते में डायरेक्शन में चला जाता है और वहाँ पे उस रिवर के पास में छोटा सा एक सफ़ेद सा व्हाइट हाउस बना होता है, छोटा सा सफ़ेद घर बना होता है, इसको उन्होंने छोटा सा व्हाइट हाउस कहा है। और वहाँ पे जो है जाकर Roger Skunk जो है वो दीवार पे यानी दरवाजे पे नॉक नॉक करने लगता है, कोई है कोई है। और इतने में जो है नॉकिंग सुनने के बाद विजार्ड जो है वो बाहर आता है और वो कहता है व्हाट इज व्हाट यू वांट, कौन है यहाँ और तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। और वो जो अपीयरेंस जो था विजार्ड का कहता था व्हाइट बियर्ड पॉइंटेड ब्लू हैट्स ने पहना हुआ था जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बना है। और वो है वो बोलता भाई क्या हुआ, तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आती है। द विजार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स फेवरेट इफेक्ट, यहाँ पे विजार्ड की जो आवाज थी वो जैक का फेवरेट इफेक्ट था, उनको लगता था कि उसको आवाज जो उसको काफी सूट करती है विजार्ड की। और रोजेस कंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे अंदर से बदबू आती है, यही प्रॉब्लम तो है और इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। द इनोज माई वाइज ओल्ड आउट सेड यू कुड हेल्प मी, तो यहाँ पे आउज ऑल ने तुम्हारे बारे में बताया था और कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। ओ कम ऑन इन दैट डोंट गेट टू क्लोज, की ठीक है तुम अंदर आओ पर इतने नजदीक मत आओ क्योंकि तुम्हारे मन से बदबू आ रही है। अब वहां पर जो है रोजेस कंग जो है वो विजार्ड के कमरे में घर के अंदर जाता है और जब वहां अंदर जाता है तो देखता है कि सब चीजें वहां पे घर के अंदर बिखरी हुई है, जितनी भी जादू की चीजें होती है सब बिखरी हुई है। अब यहाँ पे जो पूछती है कि पापा बोलते हैं कि सब वहां पे बिखरी हुई थी, तो बेटा तो वो कहते हैं कि वहां पर कोई डस्टिंग लेडी क्लीनिंग लेडी नहीं थी इसलिए उसके घर में बिखरी हुई थी, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड। तो क्या हो गया, उसके घर में साफ सफाई वाली लेडी नहीं है क्योंकि वो विजार्ड, इसलिए उसकी शादी भी नहीं की, उसके बच्चे परिवार भी नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब वो मर जाएगा, तो वहाँ पे पापा कहते हैं यानी जैक कहते हैं कि नो विजार्ड्स डोंट डाई, विजार्ड्स नहीं मरते हैं क्योंकि वो जादूगर होते हैं और वैसे भी वो कहानियों में होते हैं।
द वेल ही रूममेट, तो यहां पे विजार्ड जो है वो इधर उधर घूमता है और अपने कमरे में सर्चिंग करने के बाद उसको अपनी जादू की छड़ी मिल जाती है और वो पूछता है रोजेस कंग से, बेटा तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए? तो रोजेस कंग कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। कौन सी स्मेल चाहिए? रोजेस की स्मेल चाहिए। तो यहाँ पे जो है विजार्ड खुश हो जाता है और यहाँ पे जो भी खुश होती है और उसके पापा जो है मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र क्या होता है वो बता देता हूँ। Abracadabra, hukasfu, roses kung, how do you do? Roses, boses, pull and ear, roses ear, you never fear. Bingo! और जादू हो जाता है। और जादू होने के बाद पूरे कमरे में roses ही roses की smell फैल जाती है और यहाँ पे सब वातावरण जो है environment जो है बहुत खुशबू वाला हो जाता है। He pours a red expression ardent out of doctor's nostril. अब यहाँ पर जब वो जादू हुआ उसके बाद उसकी लड़की यानी जो का एक्सप्रेशन जो होता है एकदम देखने वाला था और यहाँ पर उसके फादर भी जो है रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी का जो एक्सप्रेशन है एकदम उसकी मदर की तरह नजर आ रहा है। जैसे कई बार उसकी मदर जो है यानी वो उसकी वाइफ क्लेयर जब वहाँ पर पार्टीज में जाते हैं कॉकटेल पार्टीज में जब वो जाया करते हैं तो किस तरह का दिखावा किस तरह का शो ऑफ किस तरह का प्रिटेंडिंग जो करते हैं। यहाँ पे लिखा है हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर, तो फीलिंग प्लेजर कम प्रिटेंडिंग प्लेजर, जैसे कॉकटेल पार्टी में दिखावटीपन वो करते हैं वैसा ही क्लेयर की जैसे ही आज जो है वो जो ने भी वैसा फेस बना रखा है दिखावटी वाला, तो ये बात जो है उनको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं किस तरह का दिखावा जो है हमें नहीं करना चाहिए, पर उनकी वाइफ क्लेयर जो है वो इस तरह का दिखावा प्रिटेंडिंग जो है वो शो करना उनको अच्छा लगता है। तो विस्पर्ड अब वहां पे वो पूरे घर का जो वातावरण है रोजेस का हो जाता है रोजर की वजह से। अब उसके पापा गलती से रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश कह देते हैं, तो यहाँ पे वो लड़की जो है वो कहती है नहीं पापा आपने रोजर फिश कहा आपको तो रोजर स्कंक कहना चाहिए था आपने गलत कहा आप सही करो, और उसके पापा उस बात को सही करते हैं। अब रोजर स्कंक कहता है ठीक है मुझे स्मेल तो मिल गई अब कितना पैसा देना होगा, तो विजार्ड कहता है कि इसके लिए तुम्हें 7 पेनीज देना होगा, पर रोजर स्कंक कहता है मेरे पास तो 4 ही पेनीज है मैं कैसे दूंगा तुम्हें। तो यहाँ पे वो जो दुखी होने लगता है उसको लगता है कि अगर ये मैंने पैसा नहीं दिया तो रोजर स्कंक जो है विजार्ड जो है वो जादू से वापस ले लेगा। तो रोजर स्कंक जो है उसको रास्ता बता देता है विजार्ड कि ऐसा करो तुम यहाँ पे सीधे जाना और वहां पे तुम्हें एक वेल मिलेगा कुआं मिलेगा एंड जस्ट टर्न थ्री टाइम्स देयर, तीन बार जब टर्न करोगे वहां पर तुम्हें जो 3 पेनीज जो है बाकी के वो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो पेनीज का जो प्रॉब्लम था जो उसके पास 4 थे और बाकी के 3 थे वो भी यानी 7 पेनीज वो उसको दे देता है और उस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से स्मेल जो है वो बदबू नहीं आ रही थी यानी बैड स्मेल नहीं आ रही थी, इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज हैविंग अ स्मेल ऑफ रोजेस, और वो घर की तरफ बढ़ने लगता है। जब घर की तरफ आने लगता है तो वहां पे कुछ दोस्त यानी जो क्रिएचर उसके पहले उसके साथ नहीं खेला करते थे वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं और वो अलग अलग गेम्स वहां पे खेलते थे। यहाँ पे गेम्स को डिस्क्राइब किया जाता है। अब जो यहाँ पूछती है कि पापा ये सब गेम कौन से होते हैं कैसे होते हैं वो पूछा गया है और उसको ये पापा कहते हैं कि अब वो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था गेम्स खेलने का बच्चे अपने घर की तरफ जाने लगे। अब जैसे ही पापा ने कहा घर अंधेरा हो गया घर पे जाने लगे तो यहाँ पे जो भी जो है सीरियस होकर जैसे सोचती है कि अंधेरा हो गया है और वो इस बात को दिखावा करने लगती है जो कि उसके पापा को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। वो कहते हैं जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, कोई भी लेडी कब किसी बात को फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है। वो चाहते हैं कि लेडीज जो है वो जनरली क्या बने एप्रीहेंसिव बने लॉजिकल बने सोचे समझे फिर जो है डिसीजन ले। तो यस बिकॉज दिस इज जो को लगता है शायद कहानी खत्म हो गई है तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो इसलिए ध्यान से उसको सुनो। अब उसके पापा कहते हैं कि बेटा जब वो घर पहुंचा उसके बाद जो है रोजेस कंग की मम्मी से पूछती है कि बेटा ये तुम्हारे अंदर से बदबू कौन सी आ रही है, तो रोजेस कंग कहता है कि मम्मी मैं हूँ रोजेस कंग योर मेरे अंदर से गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो उसकी मम्मी इस बात से नाराज होती है कहती है तुम्हें गुलाब की खुशबू किसने दी, तो रोजेस कंग कहता है कि मम्मी ये मुझे जो है विजार्ड ने दी है मैं विजार्ड के पास गया था उसने मेरी स्मेल को चेंज कर दिया। और इस बात से मम्मी नाराज होती है उनको बुरा लगता है उनको लगता है कि उनके बेटे की स्मेल जो है जैसी होनी चाहिए थी एक स्कंक की जो आइडेंटिटी होती है वैसी ही होनी चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें जैसा बनाया गया है वैसे ही हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है बिकॉज वी आर यूनिक और वही हमारी आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी है। तो रोजेस कंक की आइडेंटिटी यही है उसकी यूनिकनेस यही है कि वो उसके अंदर से बदबू आए, अगर वो बदबू नहीं आएगी उसके अंदर से बैड स्मेल नहीं आएगी तो देन ही विल नॉट बी कॉल्ड अ स्कंक। तो यहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया अपनी पहचान खो दी अपनी यूनिकनेस को खो दिया है और यही उसकी मदर जो है समझाने की कोशिश कर रही है और यही उसके फादर जैक जो है जो कपड़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब उसकी मम्मी कहती है कि चलो ठीक है अब तुम विजार्ड की से जो है चेंज करवा के आओ तो अब चलो विजार्ड के पास दोबारा से। तो विजार्ड के पास दोबारा लेकर जाती है और अपने साथ एक अम्ब्रेला भी लेकर जाती है और जाकर विजार्ड के सर पे अम्ब्रेला हिट कर देती है, कहती है कि मेरे बेटे की स्मेल दोबारा से चेंज करो और वो जो है वो कहता है ठीक है मुझे क्या जाता है। अब इस बात से थोड़ा जैक जो है नाराज़ हो जाती है वो सोचती है कि पापा अगर स्मेल चेंज होगी तो उसके साथ कोई क्रिएचर खेलेगा नहीं,
पर यहाँ पे उसके पापा यही समझाना चाह रहे थे कि अपनी मदर के खुशी के लिए और उसकी मदर भी जो है अपनी बेटी की खुशी के लिए जानती है कि क्या सही है। तो यहाँ पे मदर जो है वो सही डिसीजन ले रही थी और वो अपने बेटे के लिए स्मेल को वापस मांगती है, पुरानी स्मेल को, और विजार्ड जो है मंत्र करके वापस से वो स्मेल चेंज कर देता है। तो विजार्ड सेड ओके, रोज स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, ही स्मेल वेरी बैड अगेन। दोबारे से अंदर जो है उसकी बदबू आने लगी थी। इट्स डैडी स्टोरी, पर उसके पापा कहते हैं कि जो एंड इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू मोर इन मोर स्टोरी। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है वो जो है इंटरफेयर कर रही थी कि पापा जो है ऐसी कहानी नहीं सुनाओ, ये आप क्या बोल रहे हो, तो यहाँ पे वो इंटरफेयर करती है। पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये पापा की कहानी और आप चाहते हो ना पापा कहानी सुनाए। और जो रोजेस कंग बात का बुरा नहीं मानता है और वो जाकर अपने घर पर अपनी मम्मी के साथ जाता है। उसके बाद ट्रेन से जो है बॉस्टन से आते हैं ट्रेन में, और वो दोनों वो सब जो है खाना खाते हैं। खाना खाने के जो है कुछ डिनर के यहाँ पे डिशेस को मेंशन किया है, लेमन बीन्स, लिवर, मैश पोटैटोस, बाई ओपाई, ये सब डेजर्ट्स में ये सब वहाँ पर वो खाते हैं। उसके बाद वो रोजेस कंग अपने बेड पर सोने चला जाता है। जब रोजेस कंग सो रहा होता है तो उसकी मम्मी उसके पास आती है और कहती है दैट ही स्मेल लाइक हर बेबी स्कंक अगेन, कि तुम्हारे अंदर जो है फिर से मेरे बेबी स्कंक के जैसे, यानी तुम्हारे स्कंक के जैसे स्मेल आ रही है और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह से कहानी का एंड हो जाता है। अब जैक के अकॉर्डिंग तो यहां कहानी का एंड हो गया, पर जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पर यहां पे वो कहती है कि पापा अगर उसने स्मेल चेंज हो गई है बैड स्मेल, तो फिर वो दूसरे क्रिएचर्स उसके साथ क्या नहीं खेलते थे? पर तो यहां उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, फिर वो भी खेलने लगते हैं क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मींस इवेंचुअली यानी लास्ट में जो है सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। पर यहाँ पर जो है जो इस बात को मानती नहीं है और वो कहती है कि वो मम्मी जो थी बहुत गंदी थी, यानी स्टूपिड मम्मी, वो उसको कहती है। और उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, इट वॉज नॉट सो, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बीइंग फ्रॉम बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज दैट ही वॉज डिफेंडिंग, उसको शायद वो ऐसा लग रहा था उसको कि शायद वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है। जैक अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है, अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा उसको लगता है जो को। तो यहाँ पर वो जैक जो है अपनी बेटी को समझाना चाह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, यानी मदर ने विजार्ड को हिट किया वो ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है? जैक के अकॉर्डिंग, स्टोरी का एंड। पर जो क्या चाहती है? जो चाहती है कि नहीं पापा, आप ये कहानी सुनाए कि विजार्ड जो है मदर को हिट कर रहा हो। पर पापा उसके कहते हैं कि नहीं बेटा, ये सही इसलिए है क्योंकि उसकी मदर जानती थी कि उसके बेटे के लिए क्या सही है, और वो बेटा भी समझ गया था, रोजेस कंग भी समझ गया था कि जो उसकी मम्मी कह रही है उसके लिए वो काफ़ी एक्सपीरियंस से कह रही, काफ़ी समझदारी से कह रही है, और जो कह रही होंगे वो ठीक होगा। पर जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और जो ये कहती है कि नहीं पापा, आप ये कहानी चेंज करो, इसका एंड चेंज करो, उसमें कहो कि विजार्ड ने मम्मी को हिट किया, पर उसके पापा चेंज नहीं करते हैं और अपनी बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो बेटी यानी जो नहीं मानती है, और वो कहते हैं ठीक है हम कल देखेंगे। तो कहती है ठीक है, आपको कल ऐसे सुनाना होगा कि विजार्ड हिट करे मम्मी को। पर यहाँ पे वो कहते हैं ठीक है, हम कल देखेंगे, अभी तुम सो जाओ। और उसको सुला के जो है वो नीचे की तरफ, नीचे वाले रूम में जहाँ पे उनकी वाइफ क्लेरे जो है वो कर रही थी, वहाँ पे जाते हैं। अब जब अपने नीचे वाले रूम में जब जाते हैं तो उनकी वाइफ पूछती है कि भाई आपने बहुत टाइम लगा दिया और नीचे आने में, आपने बहुत जो है व्यस्त अपने टाइम जो है ख़राब किया वहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी वो हस्बैंड कहते हैं यानी जैक कहते हैं कि वो अपनी बेटी को मैं कहानी सुना रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया। अब ऊपर वाले रूम में जो फिर से आवाज़ आती है, यहाँ पे कुछ शायद वो लड़की जो है जो है फिर से चीख रही, चिल्ला रही है या फिर हाथ पैर मार रही है, और इस बात को सुन के जो है नीचे से ही जैक कहते हैं कि बेटा मैं ऊपर आकर तुम्हें स्पैंक करूँ, शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, स्पैंक मींस बीट यू, क्या तुम्हें आके ऊपर मारूँ? और इस बात से शायद वो थोड़ा डर जाते हैं, वो सो जाती है। अब जैक जो है वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कहो कि नाराज़गी है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरे चाहती है कि उनके हस्बैंड जैक जो है वो अपने आप को चेंज करें जब वो पार्टी में आते हैं, और जैक ये कहते हैं कि मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे वो हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है, जो यूनिकनेस है, वही वो रहे, और वो चाहते हैं कि जैसा वो है वैसे उनकी वाइफ उनको एक्सेप्ट करे और समाज उनको एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर वो दोनों के बीच में जो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स है, वो दोनों डिस्टर्बेंस में हैं, और इसलिए जो है वो बिल्कुल भी दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है He felt caught in an ugly middle position। यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो एक अगली मिडिल पोजिशन फंस गए हैं, यानी बहुत खराब सिचुएशन फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं, इसका मतलब क्या है? आपके क्वेश्चन नंबर 3 में
फोर्थ में ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन अगली मिडिल पोजिशन, तो ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो जैक जो है वो अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहे हैं, उनकी बेटी को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि जो उसकी मदर ने किया स्टोरी में विजार्ड के साथ वो सही था, क्योंकि वो उसकी मदर जो है रोजर स्कंक के अकॉर्डिंग जो कर रही थी वो बिल्कुल सही थी, और ना ही वो अपनी वाइफ को समझा पा रहे हैं कि जो वो है वो ठीक है, तो ना तो उनकी वाइफ मानने को तैयार है ना ही उनकी बेटी मानने को तैयार है, और जैक अपने आप को यहाँ फील करते हैं कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस गए हैं। इस तरह से चैप्टर जो है वो एंड होता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इवन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड प्लीज शेयर योर वीडियोस फॉर टू मोर एंड मोर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।